अभिषेक मनु सिंघवी का विवादित ट्वीट, कहा ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली होगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। बीजेपी बोली जहर बोने का काम कर रहे हैं कांग्रेस नेता। देश में 88 दिन में कोरोना के सबसे कम नए केस, 24 घंटे में 53,256 नए मामले, 1,422 लोगों की मौत, एक दिन में 78,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 213 नए मामले आए सामने, 478 लोगों ने दी कोरोना को मात, 98.5% हुआ रिकवरी रेट। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम मोदी ने दिया योग से सहयोग तक का मंत्र, कहा कोरोना काल में उम्मीद की किरण लेकर आया योग। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने भी किया योग, हर्षवर्धन बोले कोरोना काल में योग ने शारीरिक और मानसिक सेहत बनाए रखने में मदद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सीएम योगी ने दी बधाई, कहा भारत के लिए गौरव का पल, उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत कार्यक्रम में हुए शामिल। विदेशों में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 3,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर किया योगाभ्यास, गलवान घाटी और पेंगोंग झील के किनारे भी वीर सैनिकों का योग। पतंजलि योगाश्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ हजारों लोगों ने किया योग, स्केटिंग और मलखम से योग को दिया नया आयाम। फतेहपुर में योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया योग, सैकड़ों लोग रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बागपत जिलाधिकारी ने किया योग, वीडियो जारी कर लोगों से योग करने की अपील। अमरोहा में नौगामा सदर विधानसभा से विधायक संगीता चौहान ने योग कार्यक्रम में की शिरकत, सभी से निरंतर योग करने की अपील। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अपने आवास पर किया योग, सभी से योग करने की अपील। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ किया योग, खाटू श्याम मंदिर कैंपस में आयोजित हुआ शिविर। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया योग, शंकर आश्रम में आयोजित योग शिविर में लिया हिस्सा। जल शक्ति मंत्री ने अपने आवास पर किया योग, लोगों से योग करने की अपील। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया योग, बहादुरगंज के नंदी पार्क में आम जनता के साथ किया योग। आगरा में जगह जगह किया गया योग शिविरों का आयोजन, अटल चौक पर छोटे छोटे बच्चों ने किया योग। हल्द्वानी में कूड़े के ढेर में योग करने को मजबूर लोग, टचिंग ग्राउंड में रोजाना फेंका जा रहा है लाखों टन कचरा, लोगों ने कहा पहले यहां था खाली खेत। आगरा के थाना सैया इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में दिव्यांग की मौत, गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला शव। कानपुर में जगह जगह योग शिविरों का आयोजन, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने किया योग। बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने भारत को विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में योग को महत्वपूर्ण कदम बताया, योग के ज्यादा से ज्यादा प्रचार की जरूरत बताई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी मार गिराए गए, कई हथियारों का आरोपी लश्कर आतंकी मुत्सिर पंडित भी मारा गया। लखनऊ के संघ ऑफिस में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक जारी, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद। योगी सरकार अगस्त में बुला सकती है विधानसभा सत्र, अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में जुटी सरकार, विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का है लक्ष्य। यूपी में आज से लागू होगी कोरोना की नई गाइडलाइन, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें, शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी जारी। यूपी में आज से निःशुल्क टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत, 18+ को फ्री में लग रहा है टीका, सीएम ने कहा 31 अगस्त तक 10 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य, घर घर दी जाएगी दस्तक। यूपी में निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत, सीएम योगी ने सिविल अस्पताल पहुंचकर किया निरीक्षण, 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। दिल्ली में आज से खुल गए पार्क, बाहर जाने की भी दी इजाजत, और दिल्ली सरकार ने बाजार समेत गोल्फ क्लब खोलने की भी दी मंजूरी, स्कूल थिएटर जिम अभी भी रहेंगे बंद। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने कोरोना केयर सेंटर का किया निरीक्षण, मुफ्त वैक्सीनेशन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए फारूक अब्दुल्ला आज करेंगे फैसला, सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती नहीं होंगी शामिल।
ग्रेटर नोएडा में किराए के लिए एक मकान मालिक ने किराएदार दंपति को घर में बनाया बंधक, पुलिस ने ताला तोड़कर बंधक परिवार को किया मुक्त। आगरा में एक कमरे के लिए भाई भाई में विवाद, पुलिस के सामने ही महिलाओं के साथ जमकर हुई मारपीट। कासगंज में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए युवक ने अधेड़ को मारी गोली, मृतक ने 15 साल पहले की थी आरोपी के पिता की हत्या। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़, 25,000 के इनामी को लगी गोली, कई मामलों में था वांछित। कन्नौज कोतवाली इलाके के हीरापुरवा गांव में प्रधान पति की गोली मारकर हत्या, गांव के ही 5 लोगों पर प्रधान पति की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। बहराइच के नानपारा के बेलवा साइफन नहर पुलिया पर पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। कानपुर में दबंगों की पिटाई से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हुई, 10 जून को हुई युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ की काला कांकर कॉलोनी में नगर निगम ने अवैध निजी स्कूल और एक घर को ढहाया, कॉलोनी वासियों से घर में लगाए हैं मकान बिकाऊ के पोस्टर। बिजनौर के चांदपुर में करीब एक दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा, सैकड़ों बीघा खन्ने, यहां गन्ने की खेती बर्बाद, मंत्री ने किया इलाके का दौरा। बुलंदशहर में पति पत्नी के विवाद की सूचना पर पहुंची हेड कांस्टेबल पर रेप के आरोप, मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, हेड कांस्टेबल और पीड़िता की सास गिरफ्तार। उन्नाव की कोतवाली बांगरमऊ इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक गौतस्कर को लगी गोली, 3 मौके से फरार। बागपत के कोतवाली बड़ौत इलाके में बोरे में बंद मिली युवक की लाश, नहर से बरामद किया गया शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिजनौर में रबर फैक्ट्री में हुए हादसे पर मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सीएम योगी ने लिया था मामले का संज्ञान। चंदौली में बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, पिछले 48 घंटे में 7 फीट से ज्यादा बढ़ा जलस्तर, बलुआ घाट की सीढ़ियां पानी के आगोश। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन, कई जगहों पर हालात खराब, गरुड़ ब्लॉक के लखनी में हुआ भारी भूस्खलन।